बाबा। मूवी बैच में आज आप देखेंगे टॉप 10 बेस्ट अडल्ट हॉलीवुड की मूवीज जो अवेलेबल है यूट्यूब पर, और ये होगा पार्ट टू। तो दोस्तों पार्ट वन आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर लेना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको इस वीडियो के बाद आप क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ दोस्तों, यूट्यूब पे अवेलेबल मूवीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दी हुई है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए कि ये सारी अनऑफिशियल लिंक्स हैं, इसीलिए ये कभी भी डिलीट हो सकती है, तो जल्दी से देख लो या डाउनलोड कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, कहानी एक लड़की की है जो अपने एक्स को भुलाना चाहती है और उसके लिए वो कैजुअल डेटिंग या रिलेशनशिप में चली जाती है। पार्टी में स्ट्रेंजर्स से मिलना और उनके साथ इंटीमेट होना उसके लिए अब बहुत कैजुअल है, लेकिन ये सब भी करके वो अपने एक्स को भुला नहीं पाती। क्या है वजह कि वो मूव ऑन नहीं कर पाती है, इसके लिए देखिए ये मूवी। इसका नाम है पीपल दैट आर नॉट मी, जो की आई थी 2016 में। 1 घंटे 20 मिनट की रोमांटिक ड्रामा मूवी है। सीधे पॉइंट पे आता हूँ दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में न्यूड गर्ल का एक बहुत ही बढ़िया सीन दिखेगा। जबरदस्त न्यूड लव मेकिंग सीन है। वैसे तो पूरी मूवी में काफी सारे किसिंग्स और छोटे मोटे सीन्स भरे हुए हैं, जिससे मजा तो आना है कंफर्म। नंबर 9, 3 ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट लड़कियों की कहानी है। वो पॉपुलर चीयर लीडर्स हैं। वो अपने जापानीज इंस्ट्रक्टर को रेस्क्यू करवाना चाहती हैं, जिसको मॉब ने किडनैप कर लिया है, और साथ ही उनको ये ख्याल भी रखना है कि उनकी ये बातें सीक्रेट रहें। मूवी का नाम है निंजा चीयर लीडर्स, जो की आई थी 2008 में। तो फ्रेंड्स, सेक्सी चीयर लीडर्स के एक्शन और कॉमेडी थ्रू आउट मूवी में है। 1 घंटा 20 मिनट की ये मूवी है। पूरी मूवी में बोल्ड सीन्स आप देखते रहेंगे। न्यूडिटी से ज्यादा है इसमें क्लब एंड स्ट्रिपिंग सीन्स, जिसमें बिकनी सीन्स की तो कोई कमी नहीं। और हाँ, इसके म्यूजिक और स्टोरी राइटिंग पे और काम किया जा सकता था। नंबर 8, 2 हॉट गर्ल्स के बीच एक अगली फाइट की कहानी है ये नेक्स्ट मूवी में। ये दोनों को चाहिए 2 डायमंड्स। एक लड़की को लगता है कि जिस इंसान से उसको ये डायमंड चाहिए वो उसका स्टेप फादर है, तो वहीं दूसरी लड़की उस इंसान पे रेप का आरोप लगाती है और बदले में डायमंड्स की मांग करती है। दोनों के लिए रास्ता इतना आसान नहीं। मूवी का नाम है वाइल्ड थिंग्स डायमंड्स इन द रफ, जो कि आई थी 2005 में। करीब 1.5 घंटे की ये मूवी है, जिसमें आपको क्राइम, हल्का ड्रामा और मिस्ट्री का बढ़िया मिक्स दिखेगा, और दिखेगा काफी सारा सेक्स और लव मेकिंग सीन्स, जिसमें लेस्बियन रोमांस भी है जो कि सेमी न्यूड है। इन सब के बीच मूवी की कहानी को भी अप्रिशिएट किया गया है। नंबर 7, इस मूवी में एक वुमेन एज अ केयर टेकर एक ओल्ड लेडी का ख्याल रखती है, और इसी दौरान एक बॉय घोस्ट से उसका सामना होता है। कहानी में सस्पेंस और बढ़ता है जब एक जॉइंट ट्राइपॉड धरती पे इन्वेड करते हैं। अब इन दोनों मिस्ट्रीज का पता लगाना चाहती है ये वुमेन। मूवी का नाम है स्केरी मूवी 4, जो की आई थी 2006 में। 1 घंटे 10 मिनट की ये मूवी टोटली एक लाफ्टर राइड है, जो डराने का काम कम और हंसाने का काम ज्यादा करती है। और इसमें शामिल है सेमी न्यूड स्ट्रिप सीन्स, जो कि वेल इरोटिक नेचर के हैं। कहानी की राइटिंग पे अच्छा काम किया गया है। नंबर 6, एक फादर जिसका दिल पूरा टीनेजर जैसा है, वो अपने बेटे के लिए सिंगल पेरेंट है। अपने बेटे के 18th बर्थडे पे वो सारी बाउंड्रीज भूलकर एंजॉय करता है, जिसके कारण बाप बेटे में थोड़ी दरार आ जाती है। दैट्स माय बॉय, जो कि आई थी 2012 में। काफी सारे हॉट एंड एरोटिक सीन्स इसके लाफ्टर राइट को वर्थ वॉचिंग बनाती है। हॉट न्यूड गर्ल्स को बिल्कुल मिस आउट मत कीजिए। IMDb रेटिंग है 5.5। नंबर 5, दोस्तों कहानी एक कॉलेज स्टूडेंट के बारे में, जो एक अजीब सी सिचुएशन में फंस जाता है। ब्लैकआउट के दौरान वो लिफ्ट में फंसा हुआ रह जाता है, और उसके साथ है एक हॉट एंड ब्यूटीफुल लड़की। तो आप समझ ही गए होंगे कि आगे क्या हुआ होगा अगर लिफ्ट में एक लड़का और लड़की फंसे हुए बहुत देर तक, या इस अंधेरे में वो उसके साथ सेक्स कर लेता है। अब उसको इस मिस्ट्री गर्ल की तलाश है, क्योंकि उसको शक्ल तक याद नहीं कि कौन सी लड़की के साथ वो लिफ्ट में बंद था। मूवी का नाम है दोस्तों 100 गर्ल्स, जो कि आई थी 2000 में। 1.5 घंटे की इस मूवी में आपको हर एक मोमेंट में लाफ्टर मोमेंट्स मिलेंगे, और दिखेगा काफी सारा हॉटनेस, न्यूड, इरोटिक और लव मेकिंग सीन्स। तो भाई साहब, पूरी मूवी में कैरेक्टर्स ने बोल्ड सीन्स को अच्छा प्ले किया है। नंबर 4, 3 मदर्स अपने काम से परेशान हैं। तीनों वो टाइम एंड ओवर वर्क करती हैं। वो डिसाइड करती हैं कि बाहर में जाए काम और सुनो सिर्फ दिल की, जिसमें शामिल है बूज, स्ट्रिपिंग और सेक्सुअल अफेयर्स। बैड मॉम्स, जो कि आई थी 2016 में, फुल लाफ्टर राइट के साथ आप इसमें अच्छी एक्टिंग देखोगे ही, साथ में साथ सेक्सुअल जोक्स और हॉट मोमेंट्स भी। IMDb रेटिंग है 6.2। नंबर 3, ये नेक्स्ट मूवी आपको कुछ हद तक भी डिक्टेटर और बोराज वाली वाइब देगी। इसमें एक चिल्ड आउट हिप हॉपर वन अबी गैंगस्टर रैपर खुद को वियर्ड से सिचुएशन के बीच पाता है।
वो ऐसी पोजीशन में है जहाँ उसको ग्रेट ब्रिटेन के बिगेस्ट नेशनल और पॉलिटिकल स्कैंडल को रिजॉल्व करना है। अपने कुछ लॉयल दोस्तों और लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड के साथ वो ऐसा करता है कि पूरा नेशन का हीरो वो बन जाता है। तो दोस्तों मूवी का नाम है अली जी इन द हाउस, जो कि आई थी 2002 में। 1.5 घंटे की मूवी है ये, बहुत हद तक एक परफेक्ट मूवी है जिसमें कॉमेडी तो है साथ में आउटस्टैंडिंग म्यूजिक और रफाड़ू स्क्रीन प्ले भी। आउट एंड आउट ये एंटरटेनर दोस्तों, जिसमें अली के किरदार में साचा बैरन ने जबरदस्त एक्टिंग किया। नंबर 2, एक नर्ड से लड़के की लाइफ में कोई लड़की नहीं, उससे कोई बात तक नहीं करता। जल्द उसके पड़ोस में आता है एक हैंडसम लड़का जो वुमेनाइजर है। वो नर्ड बंदे की हेल्प करता है उसके ड्रीम गर्ल जो काफी पॉपुलर है उसको पाने में। इस दौरान वुमेनाइजर की गर्लफ्रेंड होते हुए भी वो दूसरी लड़की से प्यार कर बैठता है। धीरे धीरे लड़की और प्यार की सच्चाई दोनों के सामने आती है। मूवी का नाम है मिस्चीफ, जो कि आई थी 1985 में। 1 घंटा 40 मिनट की ये मूवी है फ्रेंड्स, जिसमें कॉमेडिक मोमेंट्स और रोमांटिक सीन्स काफी ज्यादा हैं। थ्रू आउट चेहरे पे स्माइल बनी रहेगी। प्लॉट पे अच्छा काम किया गया है, कहानी का स्क्रीन प्ले ठीक है और हाँ, इसके बैकग्राउंड स्क्रोल पे भी बढ़िया काम हुआ है। और साथ ही साथ दोस्तों, बोल्ड हॉट इरोटिक न्यूड सीन्स को मिस आउट बिल्कुल मत कीजिए। फुल न्यूडिटी से माहौल बना रहता है। आईएमडीबी रेटिंग है 6.5। नंबर 1, एक ब्रिटिश टीनेजर की माँ गुजर चुकी है और ऐसे में उसकी लाइफ में आती है स्टेप मदर, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी स्टेप माम उसको सेड्यूस और ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। जल्द वो वहाँ से भागकर अपनी दोस्त के यहाँ एडिनबर्ग आ जाता है, जहाँ उसकी दोस्त उसको होटल में जॉब देती है। ये लड़का उसके प्यार में तो पड़ता है, साथ ही साथ उसको स्पाई करना भी शुरू करता है। मूवी का नाम है हेलम फोर, जो की आई थी 2007 में। तो दोस्तों ये मूवी 1.5 घंटे की है और कहानी बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। मिस्ट्री का तड़के के साथ रोमांस और ड्रामा थ्रू आउट मूवी में बना रहता है। न्यूड सीन्स की कोई कमी नहीं, न्यूड लव मेकिंग और हॉट सीन्स आपको दिखते रहेंगे। आईएमडीबी रेटिंग है 6.9। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो इसके पहले 5 अगर आपने मिस किए हैं तो इस वीडियो के बाद आप आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप और कौन सी वीडियोस देखना चाहेंगे। मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल मूवी बैश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।